हनीप्रीत के बाद डेरा मुख्यालय की चेयरपर्सन विपश्यना भी अंडरग्राउंड हो गई है। सूत्रों का दावा है कि विपश्यना को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड हुई। आखिरी बार उसे शुक्रवार को देखा गया। उसके बाद राम रहीम के बेटे जसमीत को कुछ कागजात देने के लिए वो राजस्थान के श्रीगंगानगर गई और फिर सिरसा नहीं लौटी। अपना फोन भी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। ये वही खबर है कि राम रहीम ने अपने बेटे जसमीत को डेरा का केयरटेकर बनाया है। इस बीच पंचकुला हिंसा के मामले में डेरा प्रवक्ता आदित्य इंसा के करीबी प्रकाश इंसा और विक्की को पुलिस ने मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। पंचकुला हिंसा में प्रकाश मुख्य आरोपी है, उस पर देशद्रोह का आरोप है, फरार चल रहा था। जयपुर के डेरा इंचार्ज प्रदीप गोयल को उदयपुर से पकड़ा गया। प्रदीप ने हनीप्रीत के बारे में कई सुराग दिए, ऐसी जानकारी भी है, जिसके बारे में अटकलें हैं कि वो नेपाल में छिपी हुई है।